ಶಾಂತಿ ನಾಮಾಪಿತೇ ಚ ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಕರ್ಮಾಪಿತೇ ಚ ಮಧುರಂ ಮಧುರ ಸ್ಮೃತಿಶ್ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರಬೋಧಯ ಪ್ರಭೋ ಮಧುಬೋಧಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪರಮಾಂ ಪರಿಭಾವಯಾಮಿ ಕೋಮಲಂ ಕೂಜಯನ್ ವೇಣುಂ ಶ್ಯಾಮಲೋಯಂ ಕುಮಾರಕಃ ವೇದವೇದ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾಸತಾಂ ಹೃದಯೇ ಮಮ ಕೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ನಾರಾಯಣಾಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ वेदारण्यक उपनिषद एक एक आनंद गिरी टीका पृष्ठ 23 दूसरे पैरे की नीचे से दूसरी पंक्ति। यद्यपि द्वे दिशौ द्वाभ्यां पार्श्वाभ्यां संबध्येते तथापि अश्वस्य प्राग्मुखत्वे प्रत्यङ्मुखत्वे च दक्षिणोत्तरयोः तन्मुखत्वे च प्राक्प्रतीच्योः दिशोः ताभ्यां सम्बन्धसम्भवात् तत्र तद्दृष्टिरविद्वद्दृष्टिः अविरुद्धेति परिहरति नेत्यादिना। यह जो अध्यारोप है इसमें भी विसंगति न प्राप्त हो इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। दिक् को लेकर, काल को लेकर, संख्या को लेकर ऊर्ध्व अधा को लेकर कहीं भी विसंगति सुलभ ना हो। जहाँ कहीं विसंगति सरीखी परिलक्षित होती है वहाँ पर भाष्यकार भगवान श्रुति के अंतर्निहित भावों को व्यक्त कर देते हैं। अश्व के शरीर में दो पार्श्व होते हैं, लेकिन जब उन पार्श्वों में दिक् का आरोप होता है, दिक् की भावना की जाती है या दिक् का निक्षेप किया जाता है, तब संख्या को लेकर असंतुलन की सिद्धि होती है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दृष्टि से संख्या के चार प्रभेद होते हैं। चार कोण को लेकर आठ प्रभेद हो जाते हैं। ऊर्ध्व और अधा की दृष्टि से फिर दो प्रभेद अतिरिक्त होकर दिक् के 10 प्रभेद होते हैं। यहाँ भी गणित है, वैयाकरणों के अनुसार वादिगण की संख्या 10 है, फिर दिक् की संख्या 10 है, फिर अपंचीकृत पंच महाभूत और पंचीकृत पंच महाभूत मिलकर 10 होते हैं। दिक् के 10 भेद, काल के 10 भेद, वस्तु के 10 भेद, दशमलव पद्धति के आधार पर सृष्टि की संरचना हुई है।
वहाँ गणित यूँ चलता है। अब यहाँ अश्व के पार्श्व दो हैं लेकिन मुख्य तो चार दिशाएं हैं, दो की न्यूनता सिद्ध होती है। तब भाष्यकार भगवान ने कहा कि यहाँ विसंगति वस्तुतः नहीं है, क्योंकि आनंद गिरि जी ने यहाँ पर चरिष्णुत्वम शब्द का प्रयोग किया है। टीका की अंतिम पंक्ति दूसरे पैराग्राफ में चरिष्णुत्वम हेतु कर्तव्यम, चार और अचर दो प्रकार के प्राणी होते हैं, उधर कहेंगे तो जंगम और स्थावर दो प्रकार के प्राणी होते हैं। अश्व जो है चर कोटि का, जंगम कोटि का प्राणी है। जब वो पूर्व की ओर मुख किए है रहता है, कदाचित तो दक्षिण को यूँ कर दे तो पसली का मुख भी पार्श्व का और यह मुख भी दक्षिण की ओर हो जाएगा, और ऐसा कर दे तो उत्तर की ओर भी मुख हो जाता है, पार्श्व भी उत्तर की ओर हो जाता है, ऐसे कर दे तो चतुर्दिक दो ही पार्श्व और मुख तो एक ही है, लेकिन मुख के विन्यास से एक ही मुख चार हो जाते हैं, और पार्श्व की दृष्टि से भी पार्श्व की संख्या दो न रह करके चार हो जाती है। सिंह का नाम क्या है? एक पंचानन, व्याघ्र को या सिंह को पंचानन कहते हैं। कच्छ विस्तार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, पांच मुख तो कभी देखा नहीं, तो दो प्रकार से लोग अर्थ करते हैं पंचानन का। दो हाथ दो पांव से भी वार करता है, एक मुख पंचानन हो गए। दूसरा है कि उसका मुख बहुत विस्तृत होता है, एक भूमि होती है गोमुख, एक होती है व्याघ्रमुख, दोनों के फल अलग अलग होते हैं। गाय का मुख छोटा, पीछे का हिस्सा चौड़ा, गोमुख भूमि, और एक होता शेर का आगे का हिस्सा, मुख का हिस्सा चौड़ा, पीछे का हिस्सा ऐसा। इसीलिए व्याघ्र की कटी से उपमा दी जाती है। जिस स्त्री या पुरुष के कमर बहुत फैले हो, सौंदर्य शास्त्र के दृष्टि से वो ठीक नहीं है, व्याघ्र के समान होना चाहिए, कटी प्रदेश संकीर्ण हो और इधर ऊपर का हिस्सा फैला हुआ हो। इसी प्रकार से पंचानन विस्तृत आनंद वाला पराक्रम ऊर्जा मनोबल, हाथी से भी वो भिड़ जाता है। इसीलिए तेज अवंत लघु गिनी न रानी, सीता जी की माता को हुआ छोटी आयु के बालक हैं, धनुष भंग करने के लिए खड़े कर दिए गए, विश्वामित्र जी का संकेत, जहाँ इतने बड़े पराक्रमी विफल हो चुके हैं, तो उनकी सहेलियों ने बताया तेजवंत लघु गिनी नरानी, जो तेजस्वी होते हैं वो देखने में छोटी आयु के हों, डेल डॉल भी बहुत उन्नत ना हो, उनको कभी भी लघु नहीं समझना चाहिए। उसमें दृष्टांत दिया, सूर्यमंडल जब उदित होता है, दृष्टिगोचर होता है, मर्त्यलोक से दिखता है कि एक हाथ का होगा, लेकिन उदय मात्र से त्रिभुवन का अंधकार हर लेता है। तो उनमें मनोबल की दृष्टि है, पराक्रम की दृष्टि अधिक, हाथी डीलडॉल और बल की दृष्टि से है, और दाव पेंच और पराक्रम और मनोबल व्याघ्र का अधिक होता है। यह हुआ।
तो यद्यपि द्वे दिशौ द्वाभ्याम पार्श्वाभ्याम संबद्धे थे, दो पार्श्वों के साथ दो दिशाओं का संबद्ध तालमेल संख्या की दृष्टि से बैठ जाता है। ये जो वल्लभाचार्य जी का श्रीमद् भागवत पर भाष्य है, सुबोधिनी टीका है, तो वल्लभाचार्य श्रीधर स्वामी इधर ध्यान नहीं देते या नहीं जानबूझ के नहीं दिया, उधर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, क्या है? ताकि टीका में कोई ऐसी विशेषता आ जाए जो श्रीधरी में न हो। लेकिन श्रीधर स्वामी उनको अंदर से इतने पसंद थे, प्रतिद्वंद्विता में ये सब होता है, ये सब महापुरुष दिव्य हैं, वैश्वानर के अवतार हैं, कौन? वल्लभाचार्य जी अग्नि के अवतार मानते। हमने ही ये कहा था, हम लोग वल्लभाचार्यों ने, श्री वल्लभाचार्यों ने हमसे पूछा था, क्योंकि चला था कि उनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए या नहीं, चित्र तक सीमित था उनका संप्रदाय, श्री वल्लभाचार्य जी के चित्र तक। तो एक बम्बई वाला विभाग है, एक उधर बड़ोदरा वाला, एक विभाग कहता था कि उन्होंने स्वयं मर्यादा स्थापित की, चित्र तक उनकी मूर्ति नहीं बन सकती। अब आजकल के प्रवाह में बड़ोदरा वाला जो विभाग था उसने कहा कि मूर्ति प्रतिष्ठित करना चाहते हैं लेकिन शास्त्रीय बल चाहिए। उस संप्रदाय में अभी भी बहुत ऊंचे ऊंचे विद्वान हैं, लेकिन इस वो झमेला आया मेरे पास, उन लोगों की मेरे प्रति बहुत भावना रही है, अंदर से होगी। तो हमने कहा कि श्री वल्लभाचार्य जी को आपके संप्रदाय में अग्नि का अवतार माना जाता है, अग्नि माने वैश्वानर का अवतार, और शास्त्रों में अग्नि के स्वरूप का वर्णन है, हाथ में स्वस्तिक चिन्ह होता है, अग्नि के हाथ में स्वस्तिक चिन्ह होता है। तो वैश्वानर का अवतार अगर आप वल्लभाचार्य जी को प्रामाणिक रीति से सिद्ध करते हैं, जैसा कि आपके संप्रदाय ने उन्हें माना है, तो आप उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित कर सकते हैं। ये हुआ तो वो लोग बहुत प्रसन्न हुए। मध्वाचार्य जी को वायु का अवतार मानते हैं वो लोग। तब होता है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो कलयुग में फिर क्या कहें, तो मध्वाचार्य जी को लेकर उसकी पूर्ति होती है, वायु देवता, ये सब है क्रम। तो हमने यह कहा कि वो जो अश्व होता है, दो पार्श्वयुक्त होने पर भी शरीर के विन्यास से वो दो पार्श्व भी उसके चार का काम कर लेते हैं, यह हुआ। इससे शिक्षा क्या मिलती है व्यवहार में, अगर व्यक्ति के जीवन में कला की प्रतिष्ठा है और बुद्धि भी है, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति दोनों परिपुष्ट है, तो एक व्यक्ति दो व्यक्ति का काम कर सकता है, दो व्यक्ति चार व्यक्ति का काम कर सकते हैं, एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों का काम कर सकता है, इससे ध्वनित होता। अश्व अपने शरीर का इस ढंग से विन्यास करता है कि कालक्रम से उसके दो पार्श्व ही चार हो जाते हैं, इससे व्यवहार भी निकालना चाहिए ना। तो पठन पाठन की वह प्रक्रिया चल पड़ी कि ये दर्शन व्यवहार से बिल्कुल संबंध न रख, इसीलिए दार्शनिक ये सब लुंज पुंज हो गए, इन पर शासन लक्ष्य करने लग गए। अंग्रेजों ने बहुत भयंकर वार किया है कूटनीति का, हमको तो आश्चर्य होता है कि महाभारत जैसा ग्रंथ जिस देश में हो, वह देश स्वतंत्रता के 71 वर्ष बीत गए, कल तो हमें ध्यान ही नहीं था कि 15 अगस्त है, हम तो अपनी दुनिया में रहते हैं, समाचार पत्र पढ़ा तभी तक ध्यान था कि आज 15 अगस्त, बाकी सब 71 वर्ष की सीमा में भी जो देश अंग्रेजों की कूटनीति को समझकर
उन्हें वरदान न मानकर अभिशाप समझकर उसमें पानी फेरने में समर्थ नहीं हुआ, वो क्या करेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने संस्कृत के अध्ययन अध्यापन में वो विकृति डाल दी कि ये कभी अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर सकते, अत्यंत सीमित। संस्कृत वालों के जीविका के क्षेत्र कितने रह गए। वैद्य हो गए तो चूरन चटनी दो, लेकिन उसमें अभी डॉक्टर अपने को लिखो, तब सम्मान होगा। वैद्य होने पर भी डॉक्टर लिखो। ज्योतिषी बन जाओ, दो हो गए। कर्मकांडी बन जाओ तीन, कथावाचक बन जाओ चार, अध्यापक बन जाओ पांच। 32 विद्या 64 कला के जानकार संस्कृत के विद्वान होते थे ना, सांदीपन जी आदि के विद्यालय में 32 विद्या 64 कला के ब्राह्मण लोग जानकार होते थे। क्षत्रिय वैश्य इत्यादि उन्हीं की परंपरा से ये सब सीखते थे। उन विद्या और कला को लाके 5 में सीमित कर दिया अंग्रेजों ने। उसमें भी ऐसी विकृति ला दी कि अभिमान की पराकाष्ठा, व्यवहार में अनारीपना, न अनुशासन करने की क्षमता, न कुछ, मतलब ये गुलाम बन के रह जाए। अब भविष्य में कोई संस्कृत पढ़ना पसंद ही न करे, अंग्रेजों की कूटनीति। यहाँ से शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के जीवन में अश्व के समान वो क्षमता होनी चाहिए कि 2 से 4 व्यक्ति का काम साध ले। वो कला के द्वारा व्यक्ति 2 से 4 पहिए का आविष्कार। वैज्ञानिक जगत में सबसे प्रथम चमत्कार क्या है? पहिए का आविष्कार। पहिए से क्या होता है? अधिक वजन भी कम, गति भी हो जाती है, और अधिक वजन भी कम होता है या नहीं। क्रांति, वैज्ञानिक जगत में क्रांति का मूल है पहिया, उसके बाद पकार दूसरा पंख। पहिया और पंख, पहिया हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में पांव है, पंख हमारे जीवन में हाथ है, हाथ और पांव। हवाई जहाज में पहिया और पंख दोनों की अनुकृति है या नहीं। चिड़ियों के जीवन में पहिया और पंख, तो वैज्ञानिक जगत में क्रांति लाने के लिए पहिया और पंख। और अश्व के जीवन में उसका है, उसके गर्दन का जो, उसकी गर्दन का, मुख का जो, और अंग सहित पार्श्व सहित मुख का जो विन्यास है, वो 2 होने पर भी 4 का रूप धारण कर लेता है। तथापि अश्वस्य प्रांगमुखत्वे प्रत्यंगमुखत्वे च दक्षिणोत्तरयोः तन्मुखत्वे च प्राक्प्रतीच्योर्दिशोः ताभ्यां सम्बन्धसम्भवात् तत्र तद्दृष्टिः अविरुद्धेति परिहरति। ठीक है, प्राचीमुख, प्रतीचिमुख, प्राची पूर्व दिशा की ओर, प्रतीचि पश्चिम दिशा की ओर मुख, उत्तर दिशा की ओर मुख, दक्षिण दिशा की ओर मुख करेगा, और मुख के साथ शरीर कैसा विन्यास करेगा कि वो पार्श्व जो हैं उत्तर पश्चिम दाएं बाएं पार्श्व भी उसी दिशा की ओर हो जाए, तो 2 पार्श्व भी 4 पार्श्व का काम कर लेते हैं, कर सकते हैं। इसलिए संख्या की दृष्टि से कोई विसंगति नहीं। तदुपपत्तौ च च अश्वस्य चरिष्णुत्वं हेतु कर्तव्यम्। अब कहते हैं संख्या की सिद्धि के लिए सर्वमुखत्वोपपत्तौ इत्यर्थ, चरिष्णुत्वं हेतु कर्तव्यम्, क्योंकि वो क्या है, जंगम प्राणी है अश्व, हॉर्स पावर, एलिफेंट पावर कहते हैं या हॉर्स पावर, हाथी का बल कहते हैं या अश्व, हॉर्स पावर। जमीन में पैर उठा के मार देता तो कंपन हो जाता, सोता कहाँ है, ऐसे करके सोतेगा तो खच्चर या गधा सिद्ध होगा, खड़े खड़े पाँव का ऐसे विन्यास करके सो जाते, निद्रा पर भी विजय होती। हमारे यहाँ एक अश्व, पूर्व जन्म में अश्व रहे होंगे, आदित्यनाथ,
आदित्य जी खड़े खड़े सो जाते 45 मिनट तक, गिरना नहीं बिल्कुल, हाँ खड़े खड़े सो जाते, एकदम गिरता नहीं है। अष्ट से हुआ होगा मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ होगा, हॉर्स पावर है उसमें। यही है चरिष्णुत्वम हेतु कर्तव्यम, क्योंकि वो स्थावर प्राणी नहीं है, जंगम प्राणी। स्थावर जो वृक्षादि होते हैं उनको वायु के योग से जंगमत्व की प्राप्ति हो जाती, शाखा हवा चलने लगी तो इधर की शाखा ऐसे झोंके मार के इधर हो जाए, उधर से हवा चलने लगी इधर हो जाए, आगे की शाखा पीछे हो जाए, पीछे की शाखा आगे हो जाए। उनमें जो चरिष्णुता है वायु के ऊपर निर्भर है, और इनमें प्राणायाम अंतर्निहित वायु के बल पर, किसमें अश्व में मनुष्य आदि में अंतर्निहित वायु के बल पर क्या है चरिष्णुता है, माने जंगमत्व की सिद्धि है। वहाँ वायु यहाँ अभ्यंतर वायु की प्रधानता है। पार्श्वास्थित पार्श्वास्थित्वान्तर दिशा मारोपे पार्श्वदिक संबंधो हेतु हो, अवान्तर दिशा की दृष्टि से भी कहा, तब इस प्रकार से क्या हो जाता है कि चार दो के चार बन जाते हैं और चार के फिर क्या हो जाते हैं दस, पार्श्व की अस्थियों, इधर अस्थियाँ भी है ना, इन अस्थियों के योग से चार को दस तक पहुंचा सकते हैं, दो की पहुंच हो गई चार तक, अस्थि भेद से फिर चार की पहुंच हो जाती है चार से अधिक तक। इस प्रकार संख्या के दृष्टि से भी विसंगति नहीं है। इससे क्या हाँ कौन बोल रहे आप कहिए, हेतु कर्तव्य, हेतु करने योग्य है। नारायण, ये गणित की भाषा समझते हैं इसलिए हमने उंगली उठा दी, मुँह नहीं बोल, मुँह की भाषा कम समझते, गणित संकेत की भाषा ज़्यादा समझ। नारायण, तो हमने क्या कहा, दो से चार होने में क्या है जंगम प्राणी है अश्व, जंगमता जंगम प्राणी होने के कारण उसमें क्षमता है कि दो को चार का रूप दे दे कालक्रम से, ऐसा ऋतवा संवत्सर से अंगानी हस्तादीनी च देहस्य अवयवाः तस्मात् ऋतुदृष्टि ही अंगेषु कर्तव्ये त्याह ऋतवः इति। अब कहते हैं ऋतु, फिर काल की बात है, उषा काल या उषा काल लिया था तो फिर ऋतु भी काल है, बीच बीच में काल के अवयव आ जाते हैं, और उधर आ जाता है कहीं दिक्, कहीं वस्तु की संख्या वस्तु को लेकर के दिक् काल वस्तु, कहीं लोक कहीं देवता, कहीं दिक् कहीं काल, रूपक में ये सब चलता है अध्यारोप में। संवत्सर के जो अवयव होते हैं अंगों से उनकी समानता होने के कारण ऋतुएं अंग हैं। संवत्सर, एक संवत्सर एक वर्ष, उसमें कितनी ऋतुएं छः, हर देश में छः ऋतुएँ होना कठिन है, भारत में छः ऋतुएँ हैं, उनमें भी मुख्य रूप से ग्रीष्म वर्षा और शीत तीन ऋतु, चातुर्मास में तीन ऋतु को मानेंगे तो चार महीने के एक ऋतु, तो वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में चार महीने एक जगह रहें, और छः ऋतु के हिसाब से दो महीने रहें। तो संन्यासोपनिषद में कहा गया कि पक्ष को मास मान करके सन्यासी वैकल्पिक विधा से दो महीने में भी चातुर्मास कर सकते हैं, शास्त्र सम्मत है, वैकल्पिक विधा
प्रशस्त विदा है 4 महीने में, लेकिन ऋतु से होने की दृष्टि से इधर पक्ष को मास मान लेने की दृष्टि से क्या होता है कि सन्यासी नाम होगा चातुर्मास और काम होगा 2 महीने का। यहाँ भी 2 को 4 बना दिया या नहीं, लो जी क्या सन्यासियों ने उपनिषद की महिमा से 2 को 4 बना दिया। 2 महीने रहते हैं लेकिन नाम क्या कह, चातुर्मास से चल रहा है जी, 4 और 2 में क्या अंतर नहीं है क्या, यहाँ भी हो गया ना, नाम है चातुर्मास से और काम है 2 महीने का, तो 2 को हमने 4 बना दिया। कैसे बना दिया, पक्ष को मास मानकर। ऐसे ही पार्श्व भाग अश्व के 2 हैं, अंग विन्यास की विधा से उसने 2 को 4 कर लिया, तो 2 को 4 करना हुआ या नहीं, हम लोग भी 2 को 4 किए हुए हैं। ऐसा हुआ कि पूज गुरुदेव ऐसा बहुत बड़ा प्रचार करते थे, तो बहुत सोच समझ कर फिर बैठक हुई कि हमारे चातुर्मास न करें तो शास्त्र की अवज्ञा, और करें तो 4 महीने एक जगह रहें तो धर्म का लोप, अंग्रेजों का शासन, सब खा ही जाएंगे नास्तिक, तो शास्त्र विधि की रक्षा भी हो और प्रचार का समय भी अधिक मिले। तब यह तय हुआ कि संन्यासोपनिषद के अनुसार 4 को 2 में अंतर्भूत कर दो, 2 को 4 मान लो, पक्ष को मास मान कर। ये सब श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की देन है। जब देखा कि माताएं रजो धर्म आदि का पालन नहीं करती, उस दशा में भोजन आदि बना लेती हैं, चौका में चप्पल चून की पहुँचों दिनों तो नहीं थी, तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का घर भी ऐसा नहीं रह गया कि भिक्षा मांगे, तब क्या होना चाहिए। तो श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने विद्वानों को बैठा कर, दंडी स्वामी चाहे विशेषकर शंकराचार्य, तो ब्राह्मण कुल के जहाँ तक बन सके संध्या तर्पण ये सब सिखाकर रसोईया साथ में रखें, नहीं तो ब्राह्मणों का जीवन भी ऐसा म्लेच्छ जैसा हो रहा है, उनके घर भी भिक्षा लेना संभव नहीं है, अपवित्रता की पराकाष्ठा। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव ने बहुत सा नियम चलाया। हमारे पूज गुरुदेव पैदल ही चलते थे, जो कार्यक्रम देते थे उसमें 2-2 घंटे 4-4 घंटे विलम्ब से पहुंच पाते थे। तब श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने, उनके पूज गुरुदेव ने उनसे कहा, मेरी भावना है कि आपका प्रचार रुके नहीं और समय पर पहुंच सकें, इसके लिए आप को छूट है कि आप कार से यात्रा करें। महाराज ने फिर धर्म प्रचार के लिए कार का उपयोग किया, अब शौकिया बाबा लोग कार का उपयोग करते। भगवान शंकराचार्य ने बौद्धों के मठ के द्वारा जो विकृति आ रही थी उसको दूर करने के लिए 4 मठों की स्थापना की, अब लाखों मठ हो गए क्या। जिस भावना से मठ की स्थापना हुई थी वो भावना एक भी नहीं, लेकिन मठों की भरमार। ऐसे पूज गुरुदेव ने ही सबसे पहले श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के आदेश को मानकर संतों में कार से यात्रा प्रारंभ की थी, और 2 महीने के चातुर्मास का क्रम भी उन्हीं दिनों सब प्रस्थापित किया गया था। यह ऋतवा संवत्सर से अंगानी, संवत्सर के अंग हैं, विस्तृत है संवत्सर, संक्षिप्त है ऋतु, ऋतुएँ होती हैं 6 ऋतुओं का योग हो गया तो 1 संवत्सर। हस्तादीनी च देहस्य अवयवा, ऐसे जैसे संवत्सर 1 है, ऋतुएँ कितने हैं 6, 3 ग्रीष्म वर्षा शरद को मान कर नहीं तो 6, देह तो 1 है, अवयव में भेद हो, तो 1 देह के अंतर्गत ही अंग प्रत्यंग को लेकर अवयव को लेकर भेद की प्रसक्ति है। तस्माद् ऋतु दृष्टि रंगेषु कर्तव्येत्याह,
जबकि बात ऐसी है, इसलिए शरीर के अंग प्रत्यंग में ऋतु की दृष्टि, ऋतु भी काल है ना, ऋतु दृष्टि कर्तव्य है। उभयो है शरीर संवत्सरांगत्व साम्यात, दोनों जगह साम्य की स्थापना के लिए। इसका अर्थ क्या है? साहित्य भी इस प्रकरण को कोई ठीक से पढ़े साहित्यकार, तो उसके साहित्य में बहुत ऊंची गति होगी। रूपक देते ना साहित्य में, तो अलंकार चलता रूपक, चंद्रमुख, गजगामिनी, गजगमन, हंसगामिनी, ये सब चलता है, कमल नयन, ये सब। तो उसमें फिर संख्या को लेकर भी रूपक ठीक होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर को लेकर ठीक होना चाहिए, किसमें किसका आरोप हो, आरोप में कितने अंशों में सादृश्य हो, ये सारा विज्ञान ये अश्रु के माध्यम से आया। तो साहित्यिक अगर इस प्रसंग को पढ़ेंगे तो उनकी साहित्य की दृष्टि क्या होगी? परिपुष्ट होगी, दार्शनिक बन जाएगी। उपासकों के लिए बहुत बढ़िया, आरोप का स्वरूप क्या होना चाहिए। दूसरी बात है, मेध्य शब्द का प्रयोग किया गया है, अमेध्य आरोप ना हो जाए, आरोप पे आरोप निक्षेप, सज्जन को कह दिया दुर्जन, क्या हो गया? अमेध्य, मेध्य में अमेध्य आरोप हो गया, बहुत हीनता है, इसीलिए मेध्य का भी ध्यान रखना चाहिए। एक दिव्य महापुरुष को कह दिया मिथ्याभाषी, ये नहीं, हीन आरोप नहीं होना चाहिए, जहाँ तक बन सके मेध्य आरोप होना चाहिए। तो देह के अवयव में ऋतु की, माने पूरा शरीर जो है, आया था ना, कालात्मक है, पूरा शरीर कालात्मक है, तो अंग प्रत्यंग जितने हैं वो सब ऋतु के स्थान पर, कालावयव के स्थान पर है। अब अगर कोई चिंतन करेगा, मेध्य पशु अश्व का चिंतन करेगा कि मेरा शरीर या मैं अश्वरूप हूँ, फिर चिंतन करेगा कि नहीं नहीं अश्व में, फिर आरोप किसका करेगा? प्रजापति का। प्रजापति का आरोप करने के लिए उसको देह काल का लंबन लेना पड़ेगा, यथास्थान, फिर देवता का लंबन लेना पड़ेगा, फिर लोक का लंबन लेना पड़ेगा, लोक का आलंबन लेगा तो उसमें दिक् का भी प्रभेद हो जाएगा, फिर संख्या का प्रभेद भी हो जाएगा। इस प्रकार ये रूपक भी जमाने में क्या किसी कितने प्रकार का विज्ञान, दिक् प्रभेद, काल प्रभेद, वस्तु प्रभेद, अधिदैव प्रभेद, इन सब का ज्ञान आवश्यक होगा। अश्व भी हस्त मान सकते हैं? देह से अब कहाँ है देह? संवत्सर से अंगानि हस्तादि कहाँ है? ऋतवा संवत्सर से अंगानि हस्तादि नीचा देहस्य लिखा है। देहस्य अश्व का देह है ना? हमारे शरीर में हमने कहा ना, वहाँ है यज्ञ पशु, सुनिए, वहाँ है यज्ञ पशु। अब जो अश्वमेध यज्ञ में अधिकृत नहीं है, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में अधिकृत नहीं है, वे जो साधक उसका फल चाहते हैं अपने मनुष्य शरीर में, अध्यारोप करेंगे अश्व का, फिर अश्व में आरोप किसका करेंगे? प्रजापति का। तो हमारे तो हाथ है ना, हमारे हाथ भी हैं अंग। और अगर कहें, हाँ, एक प्रश्न हो सकता है कि वहाँ आया है कि जो अश्वमेध यज्ञ में अधिकृत हैं और मेध्य पशु अश्व भी उनके सामने है, वो अगर कर्मकांड में विशेष चमत्कृति का आदान करने के लिए, फल की उपलब्धि में विशेष चमत्कृति का आदान करने के लिए, दृष्टिगोचर जो अश्व है उसमें
प्रजापति के अंग प्रत्यंग का प्रजापति का आरोप करेंगे। प्रजापति के तो वहाँ हाथ हैं और अशु के हाथ नहीं हैं, तो हाथ का अशु के हाथ नहीं है, हैं क्या? नहीं है। बंदर के पाँव भी हैं, हाथ भी हैं, और हाथ भी पाँव का काम कर लेते हैं। चमत्कृति किसको लेकर है? पंजों को लेकर। क्या हमारे मनुष्यों के जो अच्छा जो वृक्ष पर चढ़ जाते बंदर आदि, और शेर नहीं चढ़ सकता है, क्यों? उसके जो हाथ के आगे के दो पाँव की बनावट है वो हाथ जैसी नहीं। बंदर के क्या होते हैं ऐसे, पाँव की उंगलियों में हाथ की उंगलियों में अंतर होता है या नहीं? इसीलिए मनुष्य नर बानर से नर बना है। उसका किसका? हाँ, एक हिसाब नर बानर। जो वृक्ष पर चढ़ते हैं उनके हाथ में क्या क्षमता है? अच्छा, बंदर जब ऐसा हो जाए, खड़ा हो जाए, हाथ को ऊपर कर दे बंदर, तो ये हाथ है या नहीं? ऐसे ऐसे लेता है। अच्छा, बंदर जो है आगे के दो पांव से भोजन कर सकता है या नहीं? करता है या नहीं? हाथी तो अश्व तो नहीं कर सकता, तब फिर क्या करेंगे? शेर चढ़ता है, वृक्ष पर शेर चढ़ जाता कैसे? हैं, अलग प्रजाति उसकी, प्रजाति अलग है। तो आप देखो, अब जंगल में चले अनुसंधान, अब इसी पर चलेगा शास्त्र, प्रजाति में भेद हो। देखो रीछ आदि है ना, सबके प्रजाति में भेद। अच्छा, शेर का जो पहला बालक होगा वो शेर होगा, दूसरा बालक चीता, हाँ जाति बदल जाए। प्रथम बालक जो होगा, पुत्र जो होगा, वो क्या होगा? शेर होगा, दूसरा शेर नहीं गिना जाएगा, उसमें पराक्रम इत्यादि कम, चीता कोटि का होता। तो कोई विशेष हो सकता है, यहाँ तो किसका? अश्व का वर्णन। हाथ से क्या होता है? लेन देन, ठीक है ना? तो अश्व का लेन देन किससे होता है? मुँह से होता है। उसके मुंह में हाथ की कल्पना कर लें, उस समय भट्टाचार्य पुरोहित होंगे। हाथ का काम किसी से करेंगे या नहीं? अच्छा देखो, हाथी के जो कर होते हैं, कर किसको कहते हैं? उनको सूंड है। हाथी के सूंड का नाम क्या है? कर। हाथी के सूंड का नाम हो गया कर। पांव वाले जो प्राणी हैं, जो आगे के दो पांव से हाथ का काम नहीं कर सकते, उनके जीवन में भी वैकल्पिक हाथ होता या नहीं? किसी विशेष अंग से हाथ के काम की भी पूर्ति कर लेते या नहीं? जैसे कि हाथी, लो हाथी क्या करता है? हाथी के सूंड को क्या कहते हैं? कर। कर जब कहते हैं तो हाथी के आगे के जो दो पांव होते हैं वो बंदर के पांव के समान काम नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्ली का जो होता है, बिल्ली चढ़ जाती है ना ऊपर, लेकिन बंदर की अपेक्षा बिल्ली के पाँव में कुछ बीच वाली स्थिति होती, इसलिए पूरे उच्च गति से बिल्ली वृक्ष पर नहीं चढ़ सकती, जिस गति से लंगूर बंदर चढ़ सकते हैं। मध्यम कोटि के हाथ होते हैं उसके पाँव आगे के। लेकिन अब हाथी जैसे सूंड से काम कर लेता है, ऐसे ही वैकल्प किसी अंग विशेष में वैकल्पिक हाथ का निक्षेप होता है। तो अश्व में, अश्व के हाथ का जब यहाँ पर, अश्व के हाथ का आरोप अश्व में जब करेंगे, तब क्या करेंगे? मुख में ही हाथ का आरोप कर दिया जाएगा, ठीक है, संतोष होना चाहिए। ऋतवः संवत्सरस्य अंगानि, वहाँ तो संवत्सर है, उसके अंग हैं। अब वो कहाँ संवत्सर और कहाँ शरीर, लेकिन अध्यारोप है। अब संवत्सर के हाथ पांव कहाँ हैं, लेकिन अंग है ना, अवयव है ना, इतने अंशों में यहाँ पर अध्यारोप है। हस्तादिनी च देहस्य अवयवाः, देह के अवयव हैं हाथ इत्यादि। तस्मात् ऋतु दृष्टि ही अंगेषु कर्तव्येत्याह,
अंगों में अरितु दृष्टि करनी चाहिए। अच्छा, अब जो अश्व है उसमें पांच कर्म इंद्रियां हैं या नहीं, अब ये बताएं। तो हाथ भी कर्म इंद्रिय में एक है, परिगणित है नहीं, या तो मानिए कि हाथी अश्व में चार ही कर्म इंद्रियां हैं या मानिए कि पांच हैं, तो एक एक को कहाँ बैठाएंगे, हाथ हाथ को कहाँ ले जाएंगे, चट्टोपाध्याय की खोपड़ी पर भट्टाचार्य चट्टोपाध्याय की खोपड़ी पर लेके बैठा देंगे ये सिद्ध करें ना कि अश्व में पांच कर्म इंद्रियां नहीं होती। श्रीमद् भागवत में और जैन संप्रदाय ने बहुत लिखा है इस पर, भागवत आदि की अनुकृति करके, कि प्राणियों में बहुत से ऐसे होते हैं जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय में, पांचों कर्मेंद्रियां सब में नहीं, पांचों ज्ञानेंद्रियां सब में नहीं। मनुष्य जीवन का उत्कर्ष क्यों है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के गोलक अभिव्यंजक संस्थान। तो अब अश्व में पांच कर्मेंद्रियां हैं या नहीं, नहीं है, हाथ नहीं है, ठीक, चार ही कर्मेंद्रियां, ठीक। हाथ का काम है, हाथ का काम किससे करता अश्व, हाँ ठीक है। और एक विचित्र बात है, यहाँ हाथ से पकड़ लेते हैं किसी को मारना हो, एक हाथ से पकड़ के यहाँ से चाटा मारते हैं, अश्व किस हाथ से चाटा मारेगा, मुँह से काटेगा काटेगा या नहीं, भोजन भी करेगा किससे, भोजन पकड़ेगा, हम हाथ से भोजन लेते हैं मुँह में डालते हैं, वो क्या करेगा, मुँह से पकड़ेगा मुँह में डालेगा। हम हाथ से चाटा मारते हैं, अवश्य क्या करेगा, पांव जब तक उठाएगा वो हाथ बजाने के, तब लोग भाग जाएंगे, तब तो मुँह से पकड़ेगा तो वैकल्पिक क्या, ये जो जिह्वा है उसमें कितनी इंद्रियां हैं, तीन। सबसे चमत्कारपूर्ण गोलक कौन है हमारे जीवन में, जिह्वा, बोलते समय वाक इंद्रिय का भी व्यंजक, चखते समय रसनेन्द्रिय का भी व्यंजक, स्पर्श का सिकंदरी आदि चाय आदि के, तो दो ज्ञानेन्द्रिय एक कर्मेंद्रिय, तीन तीन इंद्रिय का क्या है, अभिव्यंजक संस्थान है विश्व में। हमारे आपके जीवन में सबसे चमत्कारपूर्ण अंग कौन है, जीव, बोलने पे चांटे भी लग जाए, बोलने पे माला भी पड़ जाए, सब चमत्कार जिह्वा का, लेकिन दो दो ज्ञानेन्द्रिय एक एक कर्मेंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान हुआ ना। अच्छा, सांप सर्प जानते हैं, सर्प के जीवन में श्रोत इंद्रिय कहाँ है, चक्षु श्रवा उसका नाम श्रोत, सर्प में क्या विशेषता है, आँख में ही कान की गोलक भी है, तो वैकल्पिक हो गया नहीं, कान पृथक से नहीं है सर्प में, देखा है क्या, कान नहीं है लेकिन उसका नाम क्या है, चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा है मतलब चक्षु से आँखों से सुनने वाला, तो इसका मतलब दो, एक ये जो गोलक है उसमें श्रोतेंद्रिय की भी गोलक है और नेत्रेंद्रिय की गोलक तो है ही, आँख से देखना भी आँख से सुनना भी, तो वहाँ पर वैकल्पिक श्रोतेंद्रिय है या नहीं, ऐसा है, किसी के एक इंद्रिय में भी, एक इंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान में भी हो सकता है अतिरिक्त इंद्रिय के अभिव्यंजकता भी हो, जीव विज्ञान भी हो गया या नहीं। क्या हुआ ऐसा है ना, लोक वेद अविरुद्ध है,
शास्त्र सम्मत भी है, पर्यायवाचक नाम शास्त्र में ही आया है ना। तो ऋषियों ने अनुसंधान किया तो उन्होंने कि सर्प सुनता तो है और श्रोत्रिंद्री नहीं है, तो अनुसंधान करके पाया कि उसकी आँख में ही एक क्षमता है कि आँख से सुन भी ले। अनुसंधान है, लौकिक अनुसंधान, अनुवादिका श्रुति होती है ना, अनुवादिका श्रुति का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। ठीक, क्या श्रुति श्रुति, अनुवादिका श्रुति, श्रुतियों के कई भेद होते हैं। श्रुति श्रुति माने जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण, एक नंबर के ब्राह्मण को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव भी ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण, विशेषण भी ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, विशेष रहेगा स्थिर, कर्म भी ब्राह्मणोचित, तो क्या होगा उसका नाम, ब्राह्मण ब्राह्मण। और क्षत्रियोचित रीति से जीव का यापन करता है, पुलिस मिलिट्री विभाग में चला गया, क्षत्रिय ब्राह्मण रहेगा तो ब्राह्मण ही, उस ब्राह्मण को भी कोई मार देगा तो ब्रह्महत्या का पाप लगेगा, लेकिन उसका नाम होगा क्षत्रिय ब्राह्मण। अब वो बनियागिरी करने लगा तो वैश्य ब्राह्मण, नौकरी आदि करने लगा तो शूद्र ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रिय क्षत्रिय, क्षत्रिय हो कुल में जन्म है, क्षत्रियोचित कार्य कर रहा है तो क्षत्रिय क्षत्रिय उसका उत्कर्ष होगा। वैश्य वैश्य वैश्य, वैश्य कर्म करता है, वैश्य कुल में जन्म भी है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ यह हुआ कि जो श्रुति श्रुति, श्रुति श्रुति माने स्वतंत्र रव का नाम है, प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत तथ्य, अबाधित तथ्य का उद्भासक जो श्रुति वचन, उसका नाम है श्रुति श्रुति। क्या हुआ बोलो जी, निकेत जी, प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत और अबाधित तथ्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाली श्रुति 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 स्वतंत्र रब, अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य होता है क्या, नहीं होता। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता, वो तो लाचार है, जो लिखा गया उसका अनुवाद करेगा, बीच में अपनी ओर से घसीट के कुछ और रख देगा तो वो लक्ष्मी गौतम जी ले आई कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, अनुवाद करना बढ़िया जानते हैं, अंग्रेजी बढ़िया है, तो हमने कहा कि एक आए हैं विदेशी कोई थे क्या वृंदावन, हमने कहा हम बोलते हैं ये अनुवाद करें, वो अनुवाद क्या कर रहे हैं, हमारी बात न समझें, अब समझें तो अपनी ओर जोड़ दें, हमने कहा ये अनुवादक नहीं है, वो हमको समझते होंगे, हम अंग्रेजी नहीं जानते, हम नहीं जानते, बात ठीक है भूल भाल गए एक नैमिष का वो गोविंदानंद डॉक्टर है ना, वो समझते हैं, मैं तो संकोच में नहीं कहते कि आप झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं बैठा था, नैमिष के कोई व्यक्ति आए थे, वो बार बार कह रहे थे महाराज जब आप अंग्रेजी में बोलते थे, प्रवचन करते थे, तो हम लोग कितना मुग्ध होकर सुनते थे। फिर गोविंदानंद जी ने कहा कि आप तो कहते हैं अंग्रेजी जानता ही नहीं है, वो बात वो तो झूठी नहीं थी, ये क्या है, हमने कहा ये मान लो कि जिसके बाद विस्मृति हो गई तो हम बोलते नहीं, समझ तो जाते ही होंगे, तो हमने कहा ये अनुवाद क्या करेंगे, हमारी बात कह रहे हैं अपने, हमारे नाम पर अपनी बात कह रहे हैं। इसी प्रकार तो क्या हुआ, अग्नि जो है हिम के भैसद है, दवा है, अगर ऐसे श्रुति कहे तो क्या हुआ, अनुवादिका श्रुति हुई, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, बृहदारण्यक, यह श्रुति अनुवादिका है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध है कि अन्यों में प्रीति अपने लिए होती है, अपने में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत पदार्थ का अगर श्रुति प्रतिपादन करती है
या अनुमान आदि इतर प्रमाणों के द्वारा अधिगत पदार्थ का ही श्रुति निरूपण करती है तो श्रुति का नाम हो गया अनुवादिका। सबसे ठोस प्रमाण की श्रुति का होता है श्रुति। श्रुति माने स्वतंत्र रब, स्वतंत्र रब माने। अच्छा यहाँ देखिए जीवन में स्वतंत्र कार्य किसका है? कान के द्वारा, ये अनुच्छिष्ट भोजी हैं। क्या ज्ञानेन्द्रियाँ जो हैं कर्मेंद्रियाँ अनुच्छिष्ट उच्छिष्ट विषय का ग्रहण करती हैं क्या ज्ञानेन्द्रियाँ? किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा अनधिगत होगा ना शब्द, उसका ग्रहण स्रोत के द्वारा होता है तो इंद्रियाँ झूठा नहीं खाती, अनुच्छिष्ट भोजी हैं। रूप का ग्रहण नेत्रेंद्रिय के द्वारा ही होगा, इतर इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होता रूप तो नेत्र का विषय नहीं बनता। हर इंद्रिय का अपना पेटेंट विषय होता है, निश्चित विषय होता है, इसीलिए इसका क्या अपूर्व, हर इंद्रिय का विषय अपूर्व होता है, अभुक्त होता है, उच्छिष्ट नहीं। श्री जगन्नाथ मंदिर में लक्ष्मी जी का बड़ा ठाठ है, जगन्नाथ जी के लिए जो भोग बनता है वो भी नहीं हो पाती। हाँ हम कोई छोटी घरानी की हैं कि तुम्हारे लिए जो भोग बने हम पाले। बिमला जी और सब देवी देवता जगन्नाथ जी को भोग लगा उसी को पाते हैं या पाती हैं बिमला जी सब। लक्ष्मी जी के लिए पृथक भोग बनेगा भाई, मायके का स्तर रखना चाहिए ना। लक्ष्मी जी के ठाठ यहाँ अलग हैं, लक्ष्मी जी के लिए अलग भोजन, पति के लिए अलग, दो चौका है वो। जगन्नाथ जी के लिए अलग भोजन बनता है, लक्ष्मी जी वो भोजन नहीं करती, उनके लिए अलग भोजन। इसका मतलब क्या अनुच्छिष्ट। इसी प्रकार हर ज्ञानेन्द्रिय का विषय अपूर्व होता है, अनुच्छिष्ट होता है, उच्छिष्ट भोजी ज्ञानेन्द्रियाँ नहीं हैं। कर्मेंद्रिय भी, अब शब्द का ग्रहण करेंगे तो शब्द का त्याग जो होगा वाकेन्द्रिय के द्वारा, स्पर्श का ग्रहण किससे करेंगे? हाथ त्वकेन्द्रिय से, त्याग हाथ से। रूप का ग्रहण गंतव्य का ज्ञान किससे करेंगे? आँख से, और गंतव्य का गमन पाँव से। रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय से, त्याग मलमूत्र का त्याग मूत्रेन्द्रिय से। गंध का ग्रहण नासिका से, गंध का दूषित गंध का त्याग गुदा से। एक ग्रहण के लिए है, एक त्याग के लिए है, एक एक इंद्रिय ग्रहण और त्याग, उसमें ग्रहण हो और त्याग न हो तो गए क्या? मलई रुक जाए, मूत्र रुक जाए तो राम नरेश कांड हो जाए, कोई भी कांड हो सकता है। राम नरेश हैं वृंदावन, मूत्र रुक जाए तो गए, तो ग्रहण और त्याग दोनों का क्रम चलता है, ग्रहण और त्याग। ग्रहण करने वाले इंद्रिय का नाम ज्ञानेन्द्रिय, त्याग करने वाले इंद्रिय का नाम। लेकिन त्याग में पुरुष स्वतंत्र है, ज्ञान में स्वतंत्र नहीं है। कुछ ने गाली दे दी, अभद्र शब्द का उपयोग कर दिया, हम सुनने के लिए बाध्य हैं, बोलने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो जितना सुना है उतना बोलेंगे तो बच्चा या बहुत वृद्ध माने जाएंगे या पागल। बच्चे में क्या क्षमता होती है? पचा नहीं सकता। अब बहुत वृद्ध में क्या क्षमता होती है? पचा नहीं सकता। अब बहुत से युवक में भी क्या क्षमता होती है? पचा नहीं सकता बात, तो वो हो गया पागल ढंग का। बाल गोपाल हो गया, वृद्ध हो गया, बीच में हो गया पागल। जितना सुना है उतना बोल देंगे तो लाठी गोली चलेगी या नहीं? कौन व्यक्ति गाली नहीं सुनता है? लेकिन भद्र व्यक्ति गाली दे नहीं सकता, जानता हुआ भी नहीं दे सकता। अस्थि मासादीनाम संवत्सर संधित्वम अस्थि च शरीर संधित्वम पर्वणाम मतस्तेषु मासादि दृष्टि द्वितीया। मासादि जो हैं वो संवत्सर के संधित्व को प्राप्त है या नहीं? ऋतु संधि। अच्छा मास में भी संधि, एक से एक संधि, संधिकाल। अब उषा काल मध्यान्ह काल सब में संधि है, संधि संधि। चैत्रादि मास शुक्लादि पक्ष
संधि के समानता है या नहीं। ये सब पर्व संधियां हैं, ये सब संधि की आवश्यकता है या नहीं। कितने अंगुल का शरीर है अपने अपने अंगुल से, 84 अंगुल का है, 3.5 हाथ में 84 अंगुल, और ये चार 84 में 12 जोड़ देंगे कितना होगा। हाँ, अपने अंगुल से 96 अंगुल का शरीर होता है। यज्ञोपवीत में कितने चौवे होते हैं, 96। कर्मकांड उपासना कांड के कितने प्रतिशत मंत्र हैं, 96, 80% कर्मकांड और 16% ज्ञान कांड, 96। 96 चौवे का जनऊ, 96 अंगुल का शरीर, और 84 अंगुल 3.5 हाथ में, मोटा मोटी 84 लाख योनियाँ। इन सब संख्या में भी बहुत तालमेल होता है। अस्थिमासादी नाम संवत्सर संधि, मैंने एक विषय को खोल के कहने के लिए कितनी जानकारी चाहिए। दिन में तारे दिख ले उसको भी, कहाँ ज्योतिष आ जाएगा, कहाँ संख्या का विज्ञान आ जाएगा, कहाँ कौन सा विज्ञान टपक पड़ेगा। अस्थि मासादी नाम संवत्सर संधित्वम, अस्तित्व शरीर संधित्वम पर्वणाम अतस्तेषु मासादि दृष्टि ही, माने दोनों में संदिग्ध को लेकर दृष्टि उचित है। अब मनुस्मृति के आधार पर लिखते हैं कौन, आनंद गिरी जी। अब काल और काल में भी बड़ा अंतर है, क्या काल और काल मनुस्मृति, जैसे नेपाल की मुद्रा, भारत की मुद्रा, अमेरिका आदि के मुद्रा डॉलर में अंतर है या नहीं, ऐसे काल में भी बहुत अंतर है। क्या लिखते हैं, युग शास्त्राभ्याम प्राजापत्यम एक महोरात्रम, गीता का 8वां अध्याय, उधर मनुस्मृति। युग शास्त्राभ्याम, सहस्र युग पर्यंतम, युग शास्त्राभ्याम प्राजापत्यम एकम अहोरात्रम, शास्त्राभ्याम द्विवचन, 1000 बार चारों चतुर्युग ऐसे हो जाए, सहस्र चतुर्युग कि जितनी अवधि होती है उतने 12 घंटे हो जाते हैं, उतने ही बड़ी रात, तो 2 सहस्र चतुर्युग के बराबर 24 घंटे ब्रह्मा जी के होते हैं। 432,000 वर्ष किसकी आयु है, कलयुग की, उससे दोनी द्वापर की, कलयुग से त्रिगुनी त्रेता की, कलयुग से चौगुनी कृतयुग की, ऊपर से लें 4, 3 कितने हो गए, 7 और 2, 9 और 1, 10, 432,000 को 10 से गुणा कर दीजिए, 432,000 लिख के 1 0 और डाल दीजिए, ठीक, तो क्या हुआ, 1 चतुर्युग की आयु हुई या नहीं। उसके आगे 3 शून्य और डाल दीजिए, 1000 चतुर्युग की आयु हुई, उसको 2 से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे की आयु हुई, उसको 360 से गुणा कर दीजिए, फिर उसको 100 से गुणा कर दीजिए तो 31,10,40,00,000 वर्ष, और 365 दिन का वर्ष मानेंगे तो और संख्या बढ़ जाएगी, तो ब्रह्मा जी के लोक के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31,10,40,00,000 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। वो ब्रह्मा जी आजकल 50 वर्ष की आयु ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार प्राप्त कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, ब्राह्मणों द्वितीय परार्ध है, परार्ध का अर्थ है वहाँ पर ब्रह्मा जी के आधी आयु, दो परार्ध का अर्थ है ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु अर्थात 100 वर्ष। इस समय जो ब्रह्मा जी हैं वो 51वें वर्ष में ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के लिए सूर्य अलग होंगे, जो दिन रात जो होता है, उनके
सूर्य जो है कहाँ रहते हैं, किस लोक में, भूर्भुवस्वा में किस लोक में सूर्य रहते हैं? अब ये आप कहिए, भृगु ज्योतिषी नहीं मालूम, भृगु नाम है ज्योतिषी, भृगु तो बहुत बड़े ज्योतिषी हुए, अंतरिक्ष में या द्यूलोक में, दिव्य सूर्य शास्त्र कहा भी द्यूलोक में है या अंतरिक्ष में है? सूर्य किस में है? भोर भुवा स्वाम में सूर्य का लोक कौन होगा? भुवा मध्य लोक में, उसको भी उससे मिला देते हैं तो द्यूलोक दिव्य लोक बन जाते हैं। और आगे कौन कौन लोक हैं? महाजन तप सत्यम, ब्रह्मा जी किस लोक में रहते हैं? सत्य लोक में। उस लोक की दिव्यता यह है कि बिना सूर्य चंद्र के ही उद्भासित होते हैं। यह वैसे तो हिरण्यगर्भ के नेत्र के स्थान पर सूर्य चंद्र मान लिए जाते हैं, उस लोक की, उन लोगों की, ऊर्ध्व लोकों की वहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं है, सूर्य बीच में है तीन में। अच्छा, नीचे जो पाताल आदि हैं वहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती है क्या? वहाँ क्या होता है, नाग इत्यादि जो मणिधर सर्प होते हैं उन मणियों के प्रकाश से ही वो लोग उद्दीप्त होते हैं। वहाँ वैकल्पिक सूर्यचंद्र होते हैं या प्राप्त सूर्यचंद्र से उत्कृष्ट सूर्यचंद्र होते हैं। क्या अंधेरी रात में हम लोग क्या करते, वैकल्पिक सूर्य बिजली बत्ती ये सब मोमबत्ती आदि का, तो इस सूर्य से भी उत्कृष्ट सूर्य होंगे कौन? ऊर्ध्व लोकों में, वहाँ की धरती ही ऐसी है जैसे मणि से भी काम चलता है ना प्रकाश का, वहाँ सब दिव्य होने के कारण वहाँ इन सूर्य के प्रकाश आदि की, इसीलिए सूर्यमंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक जाते हैं ना, सूर्यमंडल का भेदन करके। जब कोई विधिवत संन्यास लेता है तो सूर्य भगवान पछताते हैं, हाय हाय मुझे सूर्यमंडल का सूर्यलोक का भी भेदन करके ये जाएगा शरीर छोड़ने के बाद, जहाँ मेरी गति नहीं है वहाँ। सूर्य से ऊपर कौन है? सूर्य किनके पुत्र हैं? कश्यप आदित्य के। सूर्य से ऊपर कौन हो गए? कश्यप प्रजापति। उससे ऊपर कौन होंगे? ब्रह्मा जी होंगे या नहीं? बहुत ऊपर कश्यप इत्यादि से ऊपर ब्रह्मा जी हैं या नहीं? सब तो नाती पोते हैं। सूर्य से ऊपर कौन है? कश्यप जी। उनसे भी ऊपर अंत में बृहस्पति ये सब हैं, उनसे भी ऊपर कौन? बृहस्पति माने विराट। उससे ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी की परंपरा में सूर्य ये सब नाती पोते सिद्ध होते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो लोक है स्वतः ब्रह्म तेज से ही उद्भासित। अच्छा है पूछा। योग शास्त्राभ्याम प्रजापत्यम एक महोरात्रम अयनाभ्याम दैवम। अब देखिए देवताओं की रात्रि जिनकी अयन, कितने अयन होते एक संवत्सर में? उत्तरायण दक्षिणायन शुक्ल पक्ष दिन, कृष्ण पक्ष रात्रि। अब हमारे यहाँ क्या हो गया, एक एक दिन 12 घंटे 24 घंटे में ये दिन रात्रि हो गए, वहाँ आयन को लेकर दिन रात्रि। उत्तरायण 6 महीने का दिन, दक्षिणायन 6 महीने की रात्रि, हमारे दिन रात्रि का वहाँ पर कितना विस्तार हो गया कि काल का वर्णन है। क्या कह रहे हैं? जाओ भागवत का पंचम स्कंध पढ़िए, भूमंडल पढ़िए, तो देवलोक की बात कह रहे हैं ना। अक्षांश
आदि है ना भूमंड भागवत का पंचम स्कंद पढ़िएगा, नहीं तो हिंदी अनुवाद या उड़िया अनुवाद से अक्षांश से सब रेखाएँ हैं ना, ऐसे भूमंडल पर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 24 घंटे मध्यान काल के ही सूर्य होते हैं। हमारे लिए दिन रात है या सौरमंडल के लिए दिन रात है, हैं पृथ्वी के अनुसार है ना, हमारे लिए सूर्यास्त है सूर्योदय है या सौरमंडल के लिए सूर्यास्त सूर्योदय है। और अक्षांश वाली जो रेखा होती है उसमें क्या है, मर्त्यलोक में भी अब तो पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है नहीं, सुलभ नहीं है। श्रीमद् भागवत का भूगोल देखिएगा, उसमें मध्याह्न वहाँ पृथ्वी पर ही उस भाग में रहते हैं लोग जहाँ 2400 घंटे मध्याह्न कालिक ही सूर्य होते हैं। फिर ऐसा पड़ता है पृथ्वी ऐसे है ना, भूगोल कहते हैं ना भू फिर गोल, फिर कुछ ऐसे भाग हैं जैसे कैसा होता है 24 घंटे रात्रि ही रात्रि, कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ 24 घंटे दिन ही दिन हैं, कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ दिन हैं रात्रि हैं, जहाँ कुछ ऐसे भाग हैं कि दिन और रात्रि तो हैं लेकिन 12 घंटे तक का अंतर है। अभी अमेरिका में क्या है, दिन या रात्रि? रात है। रात के कितने बजे होंगे? 12.5 घंटे पीछे या आगे? पीछे। अभी हाँ 12.5 घंटे पीछे। हाँ अभी क्या है 11.5 से कुछ ज़्यादा हुआ है। अभी अमेरिका में क्या बजा होगा? 11 बजा होगा। ठीक, अब हो गया ना, मर्त्यलोक में भी तारतम्य हुआ या नहीं? ऐसा ही है। तो आपका क्या प्रश्न था? ब्रह्मा जी सोते कब, उनकी रात कितने घंटे बाद होती है? वही तो लिखा, 1000 बार चारों युग बीत जाएं तो 12 घंटे बीतते हैं दिन के, उसके बाद उनकी रात्रि होती, जब नींद आ जाए तब रात। क्यों, कहाँ गए वो सुरेश जी, कहाँ वो है या नहीं? नहीं है, सो रहे हैं जग। जब नींद आ जाए तब रात, जब जग जाए तब दिन। रउआ जी थे ना, उनको काल का भान नहीं था अंतिम दिनों में, तो अपना 2 बजे रात को ही कहते दिए हैं नहाने की तैयारी करो, रात दिन हो गए, दिन में सो गए रात में जगे, जब नींद आ जाए तब क्या है। हाँ लेकिन उनकी नींद के भी समय है, समय से पहले नींद नहीं आती। 1000 बार चारों युग बीत गए दिन के, तब ब्रह्मा जी कहते हमारी रात्रि आ गई, निद्रा के ऊपर ही रात्रि निर्भर है। लेकिन यहाँ अब जिनके यहाँ 24 घंटे ही दिन है, मध्याह्न कालिक सूर्य होते हैं, उनके यहाँ पाप पुण्य की प्रथा अलग होगी, यहाँ दिन में सो जाएं तो पाप लगेगा। वृद्ध या बीमार ना हो, दिन में सोना सूर्योदय के बाद सोना भयंकर पाप माना गया, प्रज्ञा शक्ति खत्म हो जाती, दिन में सोने से प्रज्ञा शक्ति बिल्कुल धूमिल हो जाती। अब जहाँ 2400 घंटे दिन है वहाँ पर वो नियम लागू होगा तो बेचारे मर ही जाएंगे, सो ही नहीं सकेंगे, उनके ऊपर वो नियम लागू नहीं होता। यही है योग शास्त्राभ्याम प्रजापत्यम एक महोरात्रम। एक था मुसलमान मुल्ला, उसने सोचा कि ब्राह्मणों के यहाँ भंडारा है बहुत बढ़िया बढ़िया सामग्री, तो फिर क्या हो लोगों से पूछ पाछ के डूबे बन के वो भी आ गया भोजन करने के लिए। तो सबने सोचा भाई ये जो महानुभाव आए हैं तो दाढ़ी वाड़ी मुसलमान वाले नहीं, आधुनिक कट कभी परिचित नहीं, हो सकता है कोई दूर के रिश्तेदार हों कुछ भी हो। तो कहा बहुत संकोच से, भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हम लोगों की स्थिति यह है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं, कृपा करके बताइए। मैं डूबे हूँ, कौन से डूबे है अल्लाह, डूबे में भी कोई घुस गया? हमने तो समझा था कि डूबे से ही काम चल जाएगा, यहाँ डूबे में भी कोई घुस गया तो क्या हुआ?
इसका मतलब है उसी प्रकार यह हुआ युग शास्त्राभ्याम प्राजापत्यमेक महोरात्रम एक हजार बार चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा जी के क्या हो गए दिन दिन, उतने बार अगर एक हजार चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा जी के रात्रि रात्रि, अब दिन और रात्रि में क्या अंतर हो गया, ऊपर से ले रहे नीचे, अयनाभ्याम दैवम, लेकिन जो देवता हैं उत्तरायण उनके लिए दिन, दक्षिणायन उनके लिए रात्रि, पक्षाभ्याम पेज नंबर आगे को पलट गया। अच्छा समय पे आए हैं पप्पू जी। पितृम, अब पितरों का क्या हुआ, कम हुआ या ज्यादा, उत्तरोत्तर कम हो रहा है। एक हजार बार चतुर्युग बीत जाएं तो ब्रह्मा जी के बारह घंटे दिन, एक हजार बार चतुर्युग बीत जाएं तो ब्रह्मा जी के बारह घंटे रात्रि, लेकिन जो देवता होते हैं अयनाभ्याम दैवम, कौन सा, उत्तरायण दिन, दक्षिणायन रात्रि। अब पितर आ गए, उसी हिसाब से इनकी आयु की गणना भी होती है। पक्षाभ्याम पितृम, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हिसाब से इनके रात्रि दिन पक्ष पर आ गए। षष्ठी घटिका भीर मानुषम इति भेद, और साठ घड़ी को लेकर दिन रात्रि की कल्पना चलती है। ये मनुष्य, हम लोगों की आयु कहाँ पितरों से भी कम, क्योंकि दिन रात्रि के आकलन में अंतर पड़ गया। साठ घड़ी एक घटका में 24 मिनट, तो साठ घड़ी में कितने हो गए 1440 मिनट, तो दिन रात्रि में कितने मिनट हो गए 1440 हो गया। हाँ ठीक, गणित होना चाहिए। घटिका सही बने घड़ी, घटिका माने 24 मिनट। आनंद गिर जी ने लिखा कि 60 घड़ी के दिन रात, 24 को 60 से गुणा करेंगे 1440 मिनट के दिन रात हम लोगों के होंगे। 60 घड़ी हो गया, हाँ गिन लीजिए, नहीं कहीं गलत ना हो। षष्ठी घटिका भीर मानुषम इति भेद, प्रतिष्ठा शब्द से पाद विषयत्व उत्पादयति प्रतिष्ठति इति। अब वहाँ तो पृथ्वी है, किसके, वैश्वानर हिरण्यगर्भ के पादस्थानी कौन है पृथ्वी, सप्तांग में मांडुक्य उपनिषद और छांदोग्य के अनुसार वैश्वानर हिरण्यगर्भ के पाद कौन है, पृथ्वी। अब यहाँ पर अश्व, अश्वमेध में प्रयुक्त और विनियुक्त अश्वमेध पशु, उसके पास पृथ्वी तक क्या रूपक होगा, तो पृथ्वी की व्युत्पत्ति फिर दूसरे ढंग से, प्रतिष्ठा शब्द से पाद विषयत्व व्युत्पादयति प्रतिष्ठति इति, भाष्यकार भगवान ने कहा जिसके सारे स्थित रहता है वो पृथ्वी, प्रतिष्ठति व्युत्पत्ति भेद से फिर पाद में पृथ्वीत्व का आरोप हो गया। भगवान भाष्यकार ने दिया अब पादेशु अहोरात्र दृष्टि सिद्ध्यर्थम उक्तम उपादयति अहोरात्र ही थी, पादों में अहोरात्र दिन और रात्र की दृष्टि को स्थापित करने की भावना से, सिद्ध करने की भावना से यह कहा गया, प्रतिष्ठा हेतुत्वम इति, प्रतिष्ठा में हेतु है पांव, इसीलिए पृथ्वी को पांव व्युत्पत्ति भेद से। हाँ तो अहोरात्रि को पांव कह रहे हैं,
क्या पृथ्वी को अपने कल वही तो खुर से ही तो खड़ा होगा ना, खुर के सहारे से। प्रतिष्ठा शब्द से पाद विषयत्म विपादयति प्रतिष्ठती पादेशु अहोरात्र दृष्टि सिद्ध्यर्थम उक्तम उपादयति अहोरात्र है दिन रात्रि पादों में। अच्छा गशु का क्या होता है, खड़े रहेगा एक ऐसे आगे पीछे के पांव को उठा लेगा दिन रात्रि खुर के सहारे एड़ी को उठा लेगा। अगर वो लेट के सोता है तो समझिए बीमार है, घायल है या खच्चर है, गधा है, अश्व नहीं है। इसलिए उसको तो पांव के सहारे ही उसके दिन भी हो जाते हैं, रात्रि भी हो जाते। सुनिए निद्रा की विधा का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। घरों में पालते हैं मछली, कछुआ पालते हैं ना, बिलासपुर में हमको उस घर में रखा गया जहाँ एक आधुनिक ढंग से बक्से में का पले थे कछुए। अब हमने सोचा दत्तात्रेय की शैली में इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, 15-20 मिनट में देखते ही रहा। फिर लोगों से पूछा कि ये तो हमने देखा रात्रि में भी तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, दिन में भी तुम लोगों ने पाल के रखा, बताओ कितने घंटे सोते हैं। महाराज इनको तो हमने सोते ही नहीं देखा। फिर मछली को देखा कि एक जगह मछली पली हुई है ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था करके। उनसे पूछा तुम लोगों ने पाल के रखा है कि कितने घंटे मछलियां सोती हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्या अर्थ हुआ, कौन सा प्राणी किस दशा में निद्रा से प्राप्त होने वाली पुष्टि प्राप्त कर ले उसकी विधा अलग अलग। क्या कछुआ को सोते हुए कितने घंटे देखा है, मछली को सोते हुए कितने घंटे देखा है, और सोवे नहीं तो पागल हो जाए। उनकी सुषुप्ति का क्या स्वरूप होगा, अश्व की सुषुप्ति का क्या स्वरूप होगा, सुषुप्ति में भी सूक्ष्मता है स्थूलता है या नहीं, क्या कारण है इसमें मनोविज्ञान। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जीव विज्ञान पर विचार करें तो जल के द्वारा किसका पोषण होता है, प्राणों का मुख्य रूप से। जल का जो स्थूल रूप है, फिर सूक्ष्म रूप है, फिर अति सूक्ष्म रूप है। हम आप पानी पीते हैं तो मूत्र बन जाता है स्थूल रूप, उसका जो मध्यम सूक्ष्म रूप है वो रक्त रुधिर, और बहुत सूक्ष्म रूप है वो प्राण बन जाता है। तो कछुए मछली उसमें भी विशेषकर मछली जल में रहे तो जल से वो प्राण का संबंध सीधे है, तो प्राण प्रधान ये हो गए ना, कौन मछली मत्स्य और कच्छप क्या हो गए, प्राण प्रधान हो गए। तो प्राण कितने घंटे सोता है 24 घंटे में, नहीं सोता ना, सुषुप्ति में सोता है प्राण, नहीं सोता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राण प्रधान जो प्राणी हैं उनकी सुषुप्ति बहुत गंभीर है, उसका आकलन करना कठिन। उनका जगने में ही सुषुप्ति का वैकल्पिक स्वरूप उनको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उनके जो प्राण में जो सुषुप्ति में, अब हमारी सुषुप्ति विचित्र ही है आप लोगों की सुषुप्ति, लेकिन जो खूब जोर से हमने देखा, एक बार विष्णु आश्रमी महाराज से मिलने गए दर्शन करने बुलंदशहर में शाम को 7:30 बजे वो लेटे हुए थे। अरे राम, उतनी दूर तक वो जो सांस लें तो नाभि ये सब यहाँ आ जाए, फिर नीचे लगे, ये प्राणायाम हमारा तो होता ही नहीं वैसे, और आवाज़ इतनी ज़ोर से हो तो हम तो डर से गए। ये है ना, तो अच्छा गाढ़ी नींद में कोई अपान वायु छोड़ सकता है क्या, इसका उत्तर तो पप्पू जी देगा। गाढ़ी नींद में अपान वायु छोड़ सकता है, नहीं ना। कौन सा अंश वायु का, प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुर्म पिकल देवदत्त धनंजय, कौन सा प्राण उद्दीप्त हो जाता है, कौन सा प्राण सुप्त हो जाता है। अपान वायु का त्याग कोई नहीं कर सकता, अगर करता है तो मक्कर है, सोया हुआ नहीं है। कुछ प्राण उद्दीप्त हो जाते हैं ऊर्ध के, सांस लेता है ना व्यक्ति जोर से,
इसका मतलब है कि प्राणियों के निद्रा के स्वरूप में भी तारतम्य है। तो जलचर जो होते हैं, जलचर, अब ये जलचर में भी भेद होता है। कच्छप जो है, कछुआ, ऊपर भी रह लेता है और जल में भी। उत्तम कोटि का जो मत्स्य होता है, जल में ही जीवन यापन कर सकता है। पाश्चात्य जगत में गीली मिट्टी में भी जीवित रह लेती है मछलियाँ, क्या है, मत्स्य रह लेते हैं। वहाँ के जो मछलियाँ होती हैं वो दूसरे प्रकार की होती हैं। भारत आदि के जो मेढक होते हैं उनको सर्प खा लेता है। विदेशों में बहुत जगह ऐसे हैं सर्प मेढक जो सर्प को खा लेते हैं। 7-7 फीट के सर्प को मेढक खा लेते हैं। इसका मतलब है कि हर जीव की गतिविधि अलग। तो जलचर जो प्राणी होते हैं, जलचर में बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं, बगुला आदि, जल में भी रह लें और बाहर भी रह लें, लेकिन उत्तम जाति के जो मछली होती है उसकी नींद कैसे होगी, क्योंकि वो प्राण प्रधान है। जल से प्राण का पोषण होता है। प्राण प्रधान जो जलचर होते हैं उनकी निद्रा मानो नहीं के बराबर। उनकी गति में जो कुछ ह्रास उत्कर्ष है उसी से उनको निद्रा की उनकी पूर्ति हो जाती है। भोजन में भी अंतर है या नहीं? देवता क्या होते हैं? घ्राण भक्ष। एक बार हम प्रवचन में बोल दिए, किसको कौन सी गाली लग जाए कह नहीं सकते। संतोष आते थे ना, वो अब सन्यासी उन्यासी हो गए, अब तो सिद्ध हो गए, नहीं आते। हमने प्रवचन में कहा, एक आते थे वहाँ से, बंगाल से, धर्मानंद, क्या क्या फिर अब क्या नाम हो गया है, राजस्थान वाले, बीकानेर वाले, पहले बंगाल से आते थे। मेरे मुँह से निकल गया, ये कोई गाली तो नहीं है कि देवता घ्राण भक्ष होते हैं। वो आरएसएस का व्यक्ति, आरएसएस का व्यक्ति बड़ा विचित्र होता है। आरएसएस के संत को ही संत मानता है, और संत को जो कहता है आपने राष्ट्र के लिए क्या किया। आरएसएस का लक्षण क्या है? आरएसएस का जो संत नहीं है उसको आक्षेप पूर्वक कहते आपने राष्ट्र के लिए क्या किया है। तो आ गया लड़ने मुझसे, मुझसे कहा मेरा जीवन बर्बाद आपने कर दिया। हमने कहा क्या कर दिया? आपने कहा देवता घ्राण भक्ष होते हैं, और बताओ देवता सुन करके तृप्त हो जाते हैं, गाली है क्या? तो हमने कहा तुमको बाबा मैंने बनाया नहीं, तुम्हारा गुरु कोई और, मैंने जीवन कैसे खराब किया? आपने कह दिया देवता घ्राण भक्ष होते हैं। हमने कहा यह भी गाली है, किसी डिक्शनरी में कोर्स में देवता घ्राण भक्ष होते गाली है। उसने जो कहा मैं राजस्थान परंपरा का वैश्य हूँ, बिना पापड़ का भोजन नहीं करता। जब घ्राण भक्ष तो पापड़ को सूंघ करके तृप्त करने, तो हम तो मर जाएंगे भूखे। ये हमको मालूम होता कि देवता घ्राण भक्ष होते हैं, बाबा कभी नहीं बनता। तो हमने कहा पापड़ के ऊपर जो देवता नहीं बनना चाहता है, भले आदमी, देवता से ऊपर कौन है? इंद्र, देवराज है। इंद्र से ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति से ऊपर ब्रह्मा, ब्रह्मा से ऊपर जिसको जाना होता है वो केवल मोक्ष का मार्ग। तुम जाओ गृहस्थ बन जाओ, यहाँ मत रहो। मैंने कहा जब देवता भी नहीं बनोगे, क्योंकि देवता बनोगे तो पापड़ मुँह से तो नहीं खा पाओगे। आप हमको कह रहे हैं पापड़ हो, हम सुन के तृप्त हो जाए। रो रहे थे, एमए पास है उस समय, 35 साल का होगा, रो रहा था। हमने कहा ये भी गाली है, किसको क्या गाली लग जाए कह नहीं सकते। यही हुआ। क्या हुआ? ये सुषुप्ति की बात हो गई ना, ऐसे काल में हुआ। षष्टि घटिका भी मानुसमिति भेद, 24 मिनट की एक घटिका होती है, 60 घटिका के दिन रात्रि, तो इसका मतलब 1440 मिनटों में दिन रात्रि की पूर्ति होती है मनुष्यों में। हमारे आपके लिए दिन रात्रि 1440 मिनट की, 60 घटिका की, एक घटका में 24 मिनट। हाँ, प्रतिष्ठा की बात हो गई। अस्थिसु नक्षत्र दृष्टो हेतु माह, अब जो मेध्य पशु है कौन? अश्व। उसकी हड्डियों में नक्षत्र दृष्टि क्यों की गई?
क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं जगमगाने वाले होते हैं, उज्ज्वल होते हैं, हड्डियाँ भी श्वेत वर्ण की होती है। पादेशु अहोरात्र दृष्टि सिद्ध्यर्थम उक्तम उपादयति अहोरात्र ही थी अस्तित्व हो गया। नवा शब्दे नंतरिक्षम की मिति न गृह्यते मुख्य सति उपचारा योगा द्वितीया संख्या पुनरुक्तिम परिहर्तुम इत्या अंतरिक्षस्य इति। अब कहते हैं कि पानी पी ले बस। नभ शब्द का प्रयोग किया गया है तो नभ का तो मुख्यार्थ कौन होता है? अविद्यावृत्ति से अर्थ अंतरिक्ष। छोटे बच्चे अस्थि घर में उत्पन्न हुए हों, उनसे पूछिए बच्चा आकाश कहाँ है तो क्या कहेंगे? कहते या नहीं? आकाश यहाँ नहीं है क्या? लेकिन उनके मस्तिष्क में जमा है कि अंतरिक्ष का नाम आकाश है। शास्त्र सम्मत से उनका संस्कार हुआ ना। बच्चा आकाश कहाँ है ऐसे कहते ना। हम लोग भी सहसा क्या बोलते, आकाश माने आकाश या नहीं है। आकाश शब्द का प्रसिद्ध अर्थ अंतरिक्ष है, भू से ऊपर का जो आकाश। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया, नभा शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अविद्यावृत्ति से साक्षात अर्थ तो अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष न करके यहाँ आकाशगत बादल फिर वो मांस में ले गए, ऐसा क्यों गौण अर्थ क्यों किया? पादेशु यह नवा शब्देन अंतरिक्षम किमित न गृह्यते किमिति न गृह्यते नव शब्द का अविद्यावृत्ति से प्रसिद्ध अर्थ अंतरिक्ष होता है, उसी का ग्रहण क्यों नहीं किया गया? आगे बहुत बढ़िया आक्षेप है। मुख्य सत्य उपचारा योगात, अगर मुख्यार्थ की सिद्धि हो रहा हो फिर उपचार माने गौण, गौण अर्थ करना ये तो अन्याय है, क्या हुआ उचित नहीं है। मुख्य सति उपचारा योगात, मुख्य की प्राप्ति होने पर उपचार अचित उचित नहीं है। अगत्या लक्षणावृत्ति की प्राप्ति होती है उपचार, गौण अर्थ अगत्या। अगर किसी ढंग से मुख्य अर्थ सिद्ध न हो रहा हो तब गौणार्थ का प्रयोग होता है, उपचार है वो। पुनरुक्तिम परिहर्तुम इत्याह, पहले कह दिया कि जो पेट है उसके अंदर अवकाश है या नहीं, आकाश भी अवकाशप्रद है या अवकाशात्मक है। एक बार उदर को लेकर आकाश की सिद्धि कर चुके, दोबारा फिर नभ या आकाश शब्द का प्रयोग हुआ है, अगर फिर वैसे ही अर्थ करते हैं तो पुनरुक्ति की प्राप्ति होती है। तो हमको नव शब्द का अर्थ भी करना है, पुनरुक्ति से बचना भी है, ऐसी परिस्थिति में अंतरिक्ष के अतिरिक्त अर्थ तो करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए जहाँ पर अविद्यावृत्ति से अर्थ करने पर संगति न बैठती हो वहाँ जघन्यावृत्ति, जघन्य अपराध जैसे कहते ना, जघन्यावृत्ति लक्षणा का प्रयोग होता है, औपचारिक प्रयोग होता है। गंगायाम घोषा है, गंगा की धार में अहीरों की पल्ली झोपड़ी। अब कहते हैं अविद्यावृत्ति से तो गंगायाम घोषा का अर्थ क्या होगा जो हमने कहा, लेकिन वो सिद्ध नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे? गंगा का भी त्याग ना हो और व्यावहारिक धरातल पर
घोष की भी सिद्धि हो जाए तो गंगा तट, गंगायाम घोषा काफी लक्षणा के द्वारा गंगा तट, तो गंगा की पावनता दिव्यता का संचार भी हो जाएगा, तो गंगा के धार की लक्षणा कर देते गंगा तट में, अगत्या है। जब नभ का मुख्य अर्थ अंतरिक्ष हो सकता है तब फिर अंतरिक्ष न करके भाष्यकार ने ऐसा क्यों किया, तो उसका उत्तर दिया कि अंतरिक्ष अर्थ होता है लेकिन उधर में जो अवकाश है उसको लेकर पहले ही उपमित किया जा चुका है नभ, ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महानुभाव क्या कहते हैं, अरे वेदांतियों तुम्हारे यहाँ आत्मा ब्रह्म है जीव ब्रह्म है, तुम तो लक्षणा से सिद्ध करते हो, लक्षणा से सिद्ध किया तो क्या किया, क्या साक्षात अविद्या वृत्ति से सिद्ध न करके जीव को ब्रह्म लक्षणा से सिद्ध किया तो क्या किया। ब्रजवासी लोग रासलीला में क्या करते हैं मालूम है, राधा रानी ने कहा सखियो ये कन्हैया बड़ा चोर है तो हम इसकी चोरी करें, सबसे प्यारी वस्तु इसकी क्या है, मुरली बंसी, ठीक है, और लाला फेंट में डाले सोया हुआ था, सखा का रूप धारण कर लिया राधा रानी आदि ने, रोक टोक बंद वहाँ पहुँच गई, लाला के फेंट से बंसी ले ली चोरी करके भग गई, अब लाला की नींद टूटी, लाला इसका मौसरी कहाँ गई, सीआईडी विभाग को लगाया तो राधा रानी चुरा के ले गए, अच्छा ठीक, अब भगवान स्वयं भी बन गए क्या, सखी बन गए, बिरहिणी संखी हा कृष्ण कहते हुए पागल की तरह घूमने लगे, सभी सखियों ने सोचा कि आखिर कृष्ण की बिरहिणी है, राधा जी भी कृष्ण की बिरहिणी है, हम भी हैं, इनको राधा जी से मिला दो, अरे सखी नवेली अरे छोरी तुमको तो कभी हमने देखा ही नहीं ब्रज में, कहाँ से कृष्ण की भक्ता आ गई, हाँ सखी कृष्ण के बिना जीवित रहना कठिन है, अच्छा अच्छा तुम ऐसी सखी मैं भी ऐसी सखी, आओ हृदय से मिल लूँ, अब कृष्ण भगवान हृदय से मिले, राधा रानी ने फेंट में ममसी मुरली रख रखी थी भगवान ने ले लिया, तुम कौन, मैं कृष्ण हूँ, अच्छा तो फिर ये वेश क्यों धारण किया, सखी तेने सखा बन करके हमारी बाँसुरी चुरा ली, तब सखी बन के बाँसुरी चुराई, तो लाली बन के चुराई तो क्या, लाली बन के सही बाँसुरी तो मेरी मिल गई ना। ब्रजवासी लोग कहते ठीक इसी प्रकार से, अरे भाई अंतरिक्ष अर्थ कर चुके हैं, अगर फिर अंतरिक्ष ही अर्थ करते हैं तो रूपक में बात बैठती नहीं, पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होती है, इसलिए फिर क्या करना चाहिए, अंतरिक्ष आकाश की लक्षणा किस में करेंगे, नभो मंडल में स्थित, किस में, बादल में, फिर बादल की लक्षणा होती है किस में, मांस में, फिर मांस की लक्षणा किस में होती है, मांस से रक्त टपकता है तो बादल से जल टपकता है, तो जाकर के बादल में लक्षणा करके अर्थ बैठा दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।